हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। मेरी किचन में आज हम बनाएंगे किड्स स्पेशल चॉकलेट वेफर पॉप्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इतने कलरफुल होते हैं कि जिसके कलर्स देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो घर में अगर आपने बच्चों के लिए कोई भी किड्स पार्टी करनी है तो उसमें इसे आप बनाकर रख सकते हैं और बच्चों का दिल जीत सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने काजू को दो हिस्सों में तोड़ लिया है और मीठी सौंफ ली है, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। वेफर्स ले लीजिए, साथ में आप मिल्क कंपाउंड और डार्क चॉकलेट, जिसे मिलाकर हम इसे बनाएंगे। अगर ये आपको आसानी से ना मिले तो ऑनलाइन आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। साथ में आप आइसक्रीम स्टिक इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप एक बर्तन लीजिए और उसमें एक बाउल फिट करके देखिए, अगर फिट आ जाए तो आप इसे साइड में कर लीजिए। अब गैस ऑन कर दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बाउल को ये टच नहीं होना चाहिए, तो बस थोड़ा सा पानी डालिए और उसे बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद गैस को आपने लो फ्लेम पर ही रखना है और बॉल को इसमें अब आप फिट कर दीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। थोड़ी देर में ये बॉल अपने आप गर्म हो जाएगा। अब आप इसमें चॉकलेट को तोड़कर, डार्क चॉकलेट और मिल्क कंपाउंड दोनों ही बारीक पीस कर या तोड़कर डाल दीजिए। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे मेल्ट होने में। तो सारी चॉकलेट डालने के बाद अब आप इसे एक स्पून की सहायता से हिलाते जाइए, जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता। तो लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट तक आपने चलाना है। उसके बाद आपकी चॉकलेट इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो जब इस तरह से ये मेल्ट हो जाए तो अब आप इसे गैस से उतार लीजिए और बाउल को आपने बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो आपकी चॉकलेट जमने लगेगी। तो बाउल समेत ही आप इस बर्तन को नीचे उतार लीजिए। अब हम इस चॉकलेट में वेफर्स को डिप करेंगे और चारों तरफ से इसमें चॉकलेट कोट करेंगे। तो इस तरह से जब आप डिप कर लेंगे और इसे एक स्पून से उठाकर फिर थोड़ा सा टैप करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम स्टिक पर इसे आपने बहुत ही सावधानी से इस तरह से रखना है। थोड़ा सा टाइम लगाकर इसे आराम से ही आपने रखना है, नहीं तो आपकी चॉकलेट इधर उधर बिखरी नज़र आएगी, तो इतनी स्मूथ स्टिक नहीं तैयार होगी। थोड़ा सा फिर टैप कीजिए और एक्स्ट्रा चॉकलेट नीचे निकल जाएगा और आपकी स्टिक एकदम तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप सारी स्टिक्स को तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, 20 से 25 मिनट में ये सारी स्टिक्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो छोटी मोटी पार्टी हो किड्स के लिए तो आप इसे बना सकते हैं। तो सारी स्टिक को तैयार करने के बाद अब आप इसे या तो बटर पेपर के ऊपर रख लें या ट्रे के ऊपर भी रख देंगे तो ये जमेगा नहीं। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और मीठी सौंफ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मूंगफली या फिर बच्चों की पसंद की कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगाकर इसे सजा सकते हैं। काजू को आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, जैसे अभी आपको डिज़ाइन पसंद हो। सौंफ को पूरी तरह से बिखेर कर लगाएंगे तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप काजू को थोड़ा सा पीस कर इसके ऊपर डाल देंगे तो वो स्टिक भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जिस तरह से आपका दिल चाहे आप इसकी सजावट कर सकते हैं, ये हर तरह से अच्छी लगेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में जितनी खूबसूरत और लग रहा है कि नहीं बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन है नहीं, ये उतनी ही आसानी से तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने काजू को तोड़कर इस तरह से भी लगाया है। तो अब आपकी स्टिक तो गार्निश हो चुकी हैं। अब आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए तो स्टिक अपने आप सेट हो जाएगी और इस पर लगे इंग्रेडिएंट्स भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ और ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है तो ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। मैं आपको एक स्टिक उठाकर टैप करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ना तो सौंफ गिरेगी ना ही स्टिक, तो बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई है। तो आप भी इसे इस तरह से बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।